हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। और मैं हूं आपका दोस्त और आपके केमिस्ट्री मेंटर अरविंद अरोड़ा, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेडजी केमिस्ट्री चैनल पे। आई होप कि आप लोगों का जेई और नीट का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, और आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए फिर से मैं लाइव आ गया हूँ। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। याद रखिएगा, वो क्वेश्चन एकदम न्यू है जिसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड अगेन गाइस, क्योंकि आप लोगों का डिमांड रहता है हमेशा कि हमें सर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया करो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। मतलब उसमें क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, आंसर भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है गाइस। तो बहुत जल्द मैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक ब्रीफ वीडियो भी बनाने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस इन सच अ लार्ज नंबर। सो आज हम लोग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एट द सेम टाइम उनके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। सो चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, खैर ये इन्फॉर्मेशन आजकल क्यों जरूरी हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है और आप लोगों की वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव कर पाए हैं, तो हम लोग इसको शेयर करें तो उतना अच्छा है, ठीक है। तो फाइनली 850 से ज्यादा केमिस्ट्री के वीडियोज अभी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, 100 से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस भी अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग 4 लाख फैमिली को क्रॉस कर गए। इनफैक्ट अभी तो 4,04,000 सब्सक्राइबर्स या फैमिली मेंबर्स हमारे मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पर हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अवॉर्डेड हूं मैं। एट द सेम टाइम नंबर 1 ट्रेंडिंग एजुकेटर भी बहुत पा रहा हूँ। 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड मोस्ट इमर्जिंग केमिस्ट्री टीचर का अवॉर्ड भी मुझे मिल चुका है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों के जो प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज हमारे लिए ये है कि अब हम लोग 4,40,000 की फैमिली हो चुके हैं। और इसके लिए मैं सबसे कहूंगा कि आप सब लोग जितने भी हैं एक बार कमेंट सेक्शन का यूज करिए और चेयर करिए इस फैमिली को, क्योंकि आप हैं तो ये फैमिली है। इसलिए आप सबसे कहूंगा कांग्रेचुलेशन टू ऑल। और इस बार जब भी हम लोग लाइव आएंगे, 1,000 के सब्सक्रिप्शन पे हम लोग चीयर करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां बांटने से बढ़ती हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये आप लोगों की बदौलत हो पाया है। तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं, तो और एक एक खुशी मैं आप लोगों से बांट लेना चाहता हूं। तो इसके लिए यहां पर मैं अभी हाल फिलहाल आप लोगों के साथ लाइव सेशन ले रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर है, पहले नाम ले देता हूं, प्रज्ञा, प्रथम, श्रुति, पूजा, आलोक, कुंदन, जाहिद, हर्षिता, प्रियम, क्या बात है, राज, रिया, हिंतु, वाव, अरुण, नेहा, शिल्पा, शिप्रा, उज्मा, अंजलि, जाहिद, सुप्रिया, क्या बात है। मतलब बहुत सारे लोग अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच गौरव। उसके अलावा मुझे दिखाई दिए हैं अमन, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो पूरा मत मानना, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से स्क्रॉल हो रहा है और मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर। सो चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन एक बार आप जरूर लिखिएगा, अब हम लोग हो चुके हैं 4,04,000 की फैमिली मेंबर्स, और आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हमारे सेशन का रूल क्या है, आपको +4 मार्क देने अगर आपका एमसीक्यू सही हो जाता है तो, और आपको -1 मार्क देने अगर आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है तो। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखें। एट द सेम टाइम इसमें मैंने एनटीए के जो क्वेश्चन है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जनवरी में एग्जाम लिया था, उसके क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं। तो चलिए गाइस, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। और आप याद रखिएगा, इफ यू आर अ चैंपियन, आप लोग ध्यान रखिएगा, चैट में आपको आंसर लिखना है, मजा तभी आएगा। इफ यू आर अ चैंपियन यू हैव टू पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू विन योरसेल्फ विन अ एमबीबीएस सीट और एन इंजीनियरिंग सीट, यू हैव टू आंसर वाया चैट। पहला सवाल, 5 ग्राम ऑफ ईच 2 solutes x and y, उसमें आपको एक बहुत बढ़िया चीज दे रखी है, that the molecular weight of x is greater than y, are dissolved in 100 grams each of same solvent.
100 ग्राम के सॉल्वेंट में आपने एक्स और वाई को अलग अलग डाला है। सवाल ये पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑलरेडी मैं एक रिपीटेड वीडियो बना चुका हूँ, कल ही अपलोड हुई थी, एक बार आप जाके देखिए, उसमें सारी थ्योरी है। और इसके अलावा तो हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, सो डोंट वरी, आगे भी करेंगे उसके क्वेश्चन, तो चिंता मत करो। अभी आप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आसान हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर वेट एक्स सॉल्यूट का वाई सॉल्यूट से ज्यादा है और आपने क्या किया, 5 ग्राम ऐसे सॉल्यूट एक्स और वाई को इंडिविजुअली 100-100 ग्राम के सॉल्वेंट में ऐड किया है। सॉल्वेंट सेम है लेकिन एक्स और वाई जो है वो डिफरेंट है। तो आपको बताना है इन चारों पर्टिकुलर पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको सही लगता है। बहुत बढ़िया सवाल है। सॉल्यूशन ऑफ वाई, अभी हम लोग रूल बना ले रहे, ठीक है। आप जब भी आंसर लिखोगे ए, तो ए मैंने कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। ए मैंने अरविंद अरोड़ा, बी मैंने कुछ भी, व्हाटएवर बी दैट, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ तो मजा आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखिए, सी मैंने कॉलिगेटिव एंड डी मैंने दादा, डी मैंने व्हाटएवर, डी मैंने धोनी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं क्रिएटिविटी कितनी दिखाते हो। तो पहले सवाल का जवाब जरा चेक करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइज, यस ऑफ कोर्स, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओ माय गॉड, बहुत सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई बोल्स, नहीं 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 नहीं, कितने लोग सोचते हैं कि सी होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि यहां पर x का मोलर मास y से ज्यादा है। मैं इसको शिफ्ट करना भूल गया, x का मोलर मास y से ज्यादा है। इन दैट केस आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, बट आंसर इसका सी नहीं है। जो लोग सी सोचे वो गलत है। तो इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि x का मोलर मास y से ज्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। सो इन दैट केस डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होगी, ओके, डेल्टा टीबी की वैल्यू वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, केबी इनटू स्मॉल एम। अब स्मॉल एम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस फॉर्मूले को आप इलैबोरेट करोगे तो स्मॉल एम का वैल्यू होता है दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यहां पर जो डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मोलर मास के एंटी प्रोपोर्शनल है। मतलब सोल्यूट का मोलर मास जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी ही कम होगी और टीबी की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। सो इन दैट केस एक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा एज कंपेयर टू वाई। तो इसका आंसर बनेगा एक्चुअल में ए, ए मने अरविंद अरोड़ा, ए मने अहमदाबाद, सी नहीं होगा। हमको यहां पर सी आंसर नहीं लगा, सी मने कैट, कैट आंसर नहीं है इसका, ठीक है। तो यहां पर y क्योंकि इसका मोलर मास कम है तो इसके लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू भी हाई होगा और टीबी का वैल्यू भी हाई होगा। इन दैट केस सॉल्यूशन y शोज ग्रेटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश हो गया हमारा। सो फाइनली इसका आंसर a बनेगा। बहुत बढ़िया, a बने अमिताभ बच्चन। तो फाइनली आंसर हमारे को मिल गया है a। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। कितने लोग देखो, अब आपको आंसर करना है आपके पॉलिटिशियन के वे में, आपको पॉलिटिशियन जैसे कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। सो ए मने किसका नाम याद आता है, तो आप देखते हैं कितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ए मने, ए मने, ए मने अमर सिंह भी मने आपको याद करना है, ठीक है। कॉल पॉलिटिशियन जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, आप दिमाग लगाओ, कुछ भी हो सकता है। सी मने, डी मने, तो आपको यह सोचना है कि यहां पर आप क्या लिख सकते हो। तो देखिए कितने लोगों का दिमाग चलता है। तो यहाँ काफी लोग, अरविंद केजरीवाल अमित शाह, बिल्कुल सही, दिमाग लगा लिया लोगों ने। ए मने अरविंद केजरीवाल या फिर अमित शाह, बी मने बीजेपी, हाँ पॉलिटिक्स में कुछ भी लिख सकते हो। सी मने कांग्रेस एंड डी मने, डी मने, डी मने वो सोचना है आपको, डी का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सी मने चौकीदार, बिल्कुल सही जा रहे हैं बहुत बढ़िया, इट्स रियली ग्रेट। चलो तो फाइनली आंसर क्या है जरा देखो। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन वी हैव 0.1 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, फर्स्ट है यूरिया और फिर हमारे पास दे रखा है CH3PO3 एंड फिर हमारे पास दे रखा है H3PO4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ वी कंसिडर 100% ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम लोग इसका 100% डिसोसिएशन मान लें, इन दैट केस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। So, यहाँ पर आंसर की तरफ चलते हैं। डिंपल यादव, डी मने डिंपल यादव, क्या बात है। डिंपल यादव जानते हो कौन है, डिंपल यादव। तो डिंपल यादव यहाँ पर जो हमारे यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर थे उनकी वाइफ है।
चलो, तो यहाँ चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। दी वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर हाईएस्ट फॉर यूरिया, क्या ये आंसर है? ठीक है। दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज लोवेस्ट फॉर H3PO4, क्या ये आंसर है? दी वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर लोवेस्ट फॉर यूरिया, क्या ये आंसर है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर H3PO4, क्या ये आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है यार ये। देखिए कितने लोग आंसर देते हैं, आम आदमी पार्टी लिख दिया किसी ने, क्या बात है, दिमाग लगा दिया। एंड मने नेहा, क्या बात है, दिमाग लगा रहे हैं लोग। चलो तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, गाइस यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मने अमित शाह। फाइनली पॉलिटिशियन के नाम पे हमने कंपटीशन रखा था, तो ए मने अमित शाह आंसर बनेगा। अब आप खुद से दिमाग लगाओ। देखो यूरिया के केस में आई का वैल्यू होगा 1, ठीक है, आई का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे लोवेस्ट इसमें होगी, यानी कि आरएलबीपी की वैल्यू लोवेस्ट किसमें होगी? आरएलबीपी की वैल्यू लोवेस्ट होगी यूरिया के केस में, ठीक है, आरएलबीपी की वैल्यू यूरिया के केस में लोवेस्ट होगी, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी यूरिया के केस में लोवेस्ट होगी, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू सबसे कम है। ये चीज को गौर करो, यूरिया के केस में आरएलबीपी मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम होगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी कम होगा। अब हमें पता है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियसली टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा। एट द सेम टाइम आप याद रखो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि लोवरिंग हो ही नहीं रही है। इन दैट केस ये आप फंडे बना लो, आरएलबीपी की वैल्यू कम यानी कि वीपी की वैल्यू ज्यादा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम यानी कि टीएफ की वैल्यू ज्यादा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, जोर से बोलो जय माता दी, आ गया हमारा आंसर, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा ए, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। कहता है व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस सेम लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर 1 ग्राम यूरिया आपने 50 ग्राम, 1 ग्राम यूरिया आपने 50 ग्राम में डिसॉल्व कर दिया, सेम लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें डिसॉल्व इसमें भी होना चाहिए, किसमें? जब आप ग्लूकोज 100 ग्राम में डालते हो। सो आपको बताना है कि ग्लूकोज आप कितना डालोगे, वेट बताना है ग्लूकोज का, बहुत बढ़िया सवाल है और एट द सेम टाइम आसान भी है। इस बार आपको ना हीरोज के नाम लेने, चलो ए मने अमिताभ बच्चन, बी मने बिपाशा बासु, सी मने एंड डी मने, आप सोचो क्या हो सकता है। सी मने चंकी पांडे एंड डी मने डिंपल कपाड़िया, पुराने हीरो हीरोइंस के नाम लेने आपको, नए वालों के नहीं। तो चलो शुरू हो जाओ, इसका जो आंसर आ रहा है फटाफट से बताओ, कितने लोग आंसर यहाँ पर करते हैं। कैरी मिनाटी, सी मने कैरी मिनाटी, क्या बात है, चंकी पांडे, सी मने चंकी पांडे, क्या बात है, दिव्या मैडम ये कौन है भाई बहुत बढ़िया। मतलब एक बात ध्यान रखना, आता तो इंटरेस्ट है, जब क्वेश्चन आपके सामने हो ना, जो लोग आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है ना वो तैयारी कर रहे हैं, और मैं उनको विनर मानता हूं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए गलत होगा सही होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो बढ़िया बात है। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस ऑफ कोर्स इट्स 6 ग्राम्स। अब कैसे आया भैया 6 ग्राम, कैसे आया? अब देखो आरएलबीपी की जो वैल्यू होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो, इसी को तो रोल्ट लो कहते थे। अब अगर आरएलबीपी की वैल्यू सेम है, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन बराबर होने चाहिए एज इसके यूरिया के मोल फ्रैक्शन, बस इतना सा ही काम करना था, क्योंकि आरएलबीपी की वैल्यू सेम है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास बाई मोलर मास, ओके, डिवाइडेड बाई गिवन मास बाई मोलर मास, सही है, और प्लस में आपने देखो वेट तो आपको ग्लूकोज का निकालना है, लेकिन 100 ग्राम यहाँ पर पानी दे रखा है, तो इन दैट केस 100 ग्राम वाटर का वेट दे रखा है और मोलर मास से डिवाइड कर देना, ये मोल्स हो गए किसके, ग्लूकोज के, मोल फ्रैक्शन हो गए ग्लूकोज के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे? 1 ग्राम आपने डिजोल्व किया 50 ग्राम में, तो गिवन मास बाई मोलर मास 60 होता है, डिवाइडेड बाई गिवन मास बाई मोलर मास, और प्लस आपको वाटर केस में 50 ग्राम दे रखा है 50 बाई, और यहां पर कितना लेना है 18। अब आप यहां से W का वैल्यू निकाल लो, इट्स रियली वेरी सिंपल। फाइनली W का वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आएगा 6 ग्राम।
यानी कि सी मने चंकी पांडे आंसर दिए लाए। सो बहुत बढ़िया आपने आंसर निकाल दिया। तो इसका आंसर होना था 6 ग्राम और वो कैसे आया ये देख लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। और इसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बट कोई बात नहीं, हरीश कह रहा मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ओनली देने का। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अभी इस बार आपको क्रिकेटर्स के नाम लिखने हैं, क्रिकेटर्स। सो आप क्रिकेट तो खेलते होगे या फिर किसी भी खिलाड़ी के नाम ले सकते हो। सो क्रिकेटर्स के नाम आपको लेने हैं, ए मने वॉट, बी मने वॉट, सी मने वॉट एंड डी मने वॉट। डी मने तो धोनी हो गया है ना, वही मेरा हमारा फेवरेट है, हमारा इंडियन एक्स कैप्टन। सी मने क्या हो गया, सी मने, बी मने और ए मने आपको सोचना है। क्रिकेटर्स क्या सोच सकते हैं देखें, चलो बताओ। तो यहां पर आंसर क्या हो सकता है बताइए, जो भी आप लो, सी मने चहल, क्या बात है, आप टीमों के नाम भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मने अंबाती राइडू, आज दिमाग लगा लिया, ए भी डिविलियर्स, क्या बात है, सी मने चेतेश्वर पुजारा, क्रिस गेल, अच्छा बी का क्या निकलता है बताइए। तो फाइनली बी का मतलब क्या निकलता है, चलो क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, पता लगे कि इसी में रह गए हम लोग। बुमरा, बी मने बुमरो बुमरो, इट्स लाइक बुमरा। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन क्या है जरा उसको चेक कर लेते हैं। सवाल ये है, अ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोर व्हेन 1.2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टोर। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, बड़ा आसान सा सवाल है यार ये तो, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मने बुमरा। बुमरा जीत गया फाइनली, या फिर भुवनेश्वर कुमार, 64 यहां पर आंसर बनेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बात है, कई लोग तो ज्यादा दिमाग लगा लिए, तो फाइनली यहां पर 64 मोलर मास बनेगा, ग्राम पर मोल में आंसर आएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या गिवन है आपको, इट्स रियली वेरी सिंपल, आरएलवीपी की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आरएलवीपी का फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, That is equals to, क्या लिखते हैं यहाँ पर, the moles of solute divided by the moles of solvent। अब RLVP का formula होता है ये बहुत simple, RLVP is equals to X होता है, in that case क्योंकि N की value जो है as compared to capital N बहुत कम होती है, तो denominator में हमने सिर्फ solvent के mole लेने। तो in that case सबसे पहले तो जब pure acetone था तब 185 टोर pressure आ रहा था, जब आपने इसके अंदर कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दिया तो इसका जो प्रेशर है वो घट के कितना हो गया, 183 टोर डिवाइडेड बाई आपको 185 से कंपैरिजन करना है, इसी को रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, 1.2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है जिसका मोलर मास हम जानते नहीं, तो उसका मोलर मास कैपिटल एम मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एमएम, एमएम का मतलब मोलर मास, ओके, दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, नीचे आपको सॉल्वेंट के मोल्स लेने हैं। अब बताइए सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, तो 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एसीटोन का हमें चाहिए मोलर मास। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 दूनी 24 12 36 36 और 6 42 42 और 58 हो गया। सो यहाँ पर 58, इन दैट केस जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मोलर मास यहाँ पे निकल के आएगा, इट्स रियली वेरी सिंपल एंड दैट इज 64 ग्राम पर मोल मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से सोल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप ध्यान रखिएगा जब जब आप सही हो गए अपने आपको प्लस 4 मार्क देना मत भूलिएगा, आप ध्यान रखिए प्लस 4 मार्क अपने आप को देने हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत बढ़िया सवाल था, एक मजे की बात यहाँ पर ये है कि वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लो, ये काफी बार पूछा गया है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी एक्चुअली क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी कितनी भी हो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वो सेम ही रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन का सेम ही रहेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते थे, ये आपके सामने है, यहाँ पर हमने n बाई एन क्यू रखा, एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मूले में x होता है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो हम लोग सीधे मोल्स लगा सकते हैं और सीधे आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 1985 का क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। बाय द वे सारे के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
आप एक बार हमारी टेक्निकल टीम को जरूर बता दो कि आपने डाउनलोड कर लिए कि नहीं, और अगर नहीं किए हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्निकल टीम को चैट सेक्शन में जरूर लिख दो, और अगर आपने डाउनलोड कर लिए हैं तो ये भी लिख दो कि भैया हमने डाउनलोड कर लिए, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए ही दिए गए हैं। ठीक है, सो अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से सवाल को पढ़ो। इस बार हम लोग क्या लेते हैं, इस बार मूवीज लेते हैं। ए मने आपको मूवी का नाम लिखना है, बी मने आपको मूवी का नाम लिखना है, सी मने आपको मूवी का नाम लिखना है, और डी मने मूवी का नाम लिखना है। बी मने बाहुबली, उससे बड़ी तो मूवी कोई हो ही नहीं सकती, बाहुबली। ओके, सो ए का मूवी का नाम बताओ, सी का, डी का बताओ। डी मने होगा डेली बेली, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी, बट डेली बेली। सो यहाँ पर डेली बेली, सो यहाँ पर ए और सी के केस में, ठीक है। बी मने बागी, बी मने बाचा। क्या बात है, बहुत दिमाग लगा रहे हो, बॉम्बे टू गोवा। चलो, तो हमारे पास सवाल ये है, फॉर अ डिल्यूटेड सॉल्यूशन, नए मूवीज का नाम लिखो तो मजा आएगा। चलो, फॉर अ डिल्यूटेड सॉल्यूशन रोल्स लो स्टेट्स, रोल्स लो क्या कहता है। हमारे पास चार ऑप्शंस है और बड़े आसानी से अभी हम पढ़ के आए हैं। व्हेन देयर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद रखिएगा, व्हेन देयर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखिएगा, एंड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। सो इन दैट केस सॉल्वेंट हमारे पास कैसा है, सॉल्वेंट तो हमारे पास वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट हमारे पास कैसा है, नॉन वोलेटाइल। सो इन दैट केस RLVP का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये कहलाता है रोल्ट लो। दिस इज कॉल्ड रोल्ट लो इन द केस ऑफ व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों, बी मने बाहुबली विड बी द आंसर। कैसा रुद्र सा समुद्र सा, पता नहीं क्या गाना है, बट आई रियली लाइक बॉलीवुड मूवी एंड बाहुबली मूवी। तो फाइनली आंसर इसका भी बनेगा, और इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना था। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका आप लोगों को क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। An azeotropic solution of two liquids have boiling point lower than either of them. अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस बार जो हमने थीम रखी है वो रखी है हीरोइंस के नाम लिखने, हीरोइंस एक्ट्रेसेस। सो हीरोइंस के नाम आप लिखोगे, देखो कितने लोगों का दिमाग लगता है यहाँ पर। हीरोइंस के नाम, ए मने ऐश्वर्या रॉय, बी मने बिपाशा बासु, सी मने पता नहीं, एंड डी मने आपको दिमाग लगाना है। तो ऐसे आप लोग हीरोइंस के नाम लिखोगे जो आपकी फेवरेट हैं, ABCD के नाम से आती है, अगर बताइए। दिशा पाटनी, यहाँ डी मने लगा दिया, आलिया बट, इट्स नॉट बट लल्लू। सो फाइनली एस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कई लोग सनी लियोनी लिख रहे हैं, भैया एस तो है ही नहीं ABCD में। तो बताइए यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, अच्छा चोपड़ा प्रियंका, सी मैंने चोपड़ा प्रियंका, ए मैंने आलिया भट्ट, डी मैंने दीपिका पादुकोण, है कोई चांदनी भी लिख रहा है, क्या बात है, दिमाग लगा लिया पूरी तरह से। चलो, तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शोज पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम द रोल्ट लो। आंसर इसका बच्चों सी बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, सी मैंने चांदनी, अब पता नहीं कहां से लेके आए, चोपड़ा प्रियंका, ये आंसर बनेगा। तो फाइनली कैथरीन भी लिख सकते हो, ठीक है, कैथरीन भी एक हीरोइन हीरोइन है, चलो उसको छोड़ो, हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझिए, हमको पता है कि रोल्ट लो का ग्राफ कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों। आइडियल अगर कोई सॉल्यूशन होता तो उसके लिए रोल्ट लो का ग्राफ एकदम सीधा बनता है, बट अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बना दिए जिनका आपस में अट्रैक्शन अच्छा नहीं होता, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल एंड वाटर, ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस का एग्जांपल है, C2H5OH प्लस वाटर, ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस का एग्जांपल है, दे हेट ईच अदर। इन दैट केस अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा एज कंपेयर टू इथेनॉल एंड वाटर। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आपको सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, सही है, एंड चांसेस को चेक करेगा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट अराउंड होता है 58 डिग्री सेल्सियस। तो 100 और 58 इन दोनों के बीच में आएगा आपका कहीं एजो, इन दोनों को अगर आपने एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया तो इन दोनों के बीच में कहीं
आपको क्या मिलेगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर का क्या मिलेगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट अराउंड ये आएगा 48 डिग्री सेल्सियस के अराउंड या 52 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली आपको डेटा याद नहीं करना, बट एक्चुअली जो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। आप याद रखो, जब आप मिक्सचर बनाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। सो इन दैट केस इसका बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से घटेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन जिसके बाद दोनों के दोनों वॉटर और इथेनॉल सेम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल होना चालू हो जाते हैं, उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एक्चुअली जरा सोचो कि वाटर बॉइल होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमारे पास इथेनॉल जो है बॉइल होता है 58 डिग्री सेल्सियस पे, 158। ओके, सो इन दैट केस इन दोनों को मिक्स करके एक कॉम्पोजिशन ऐसी बना दी हमने जो कि एक्चुअली इन दोनों से कम वैल्यू पर बॉइल होते हैं और दोनों एक साथ बॉइल होने लगते हैं, इसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो इसका मतलब ये कौन शो करेगा, दोनों से कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, ऑब्वियसली जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी जो पॉजिटिवली डेविएटेड होगा, सिंपल सी बात है। तो फाइनली जो भी आपको देखिए इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाला ग्राफ, और जो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट आपको आ रहा है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसके मिक्सचर का मिलेगा, इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और ये उसके लिए ही होता है जहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो करे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और आंसर आपको मिल गया होगा। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगा के आपने बहुत बढ़िया सवाल दिया है जवाब। अब है अगला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस बार आपको फेमस यूट्यूबर्स के नाम लिखने हैं, यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर आपको कौन याद आते हैं, ए से, बी से, ठीक है, सी से और डी से, आप किसी का भी नाम लिखिए। फेमस यूट्यूबर जैसे कि अमित बड़ाना, ए मने अमित बड़ाना, अमित बड़ाना को देखते होंगे। बी मने भुवन बाम, बी मने भुवन बाम, ठीक है, अमित बड़ाना, भुवन बाम, तो ये सारे फेमस हैं। सी का आपको याद रखना है, सी का क्या हो सकता है और डी का क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। सो बताइए यहाँ पर ए बी सी डी, सी मने कैरी मिनाटी, कैरी भी बहुत फेमस है, सी मने कैरी मिनाटी, एंड डी से क्या याद आता है आपको, डी से कोई याद आ रहा है किसी को, तो आपको यहाँ पर वैसे आंसर बताना है, लेकिन आपको बराबर ये भी सोच रहा है कि कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। डायनेमो, क्या बात है, दिमाग लगा रहे हैं, कई लोग तो नाम लिख रहे हैं, बी मने बायोमेंटर, ए मने अरविंद अरोड़ा, थैंक यू सो मच। बट आपको यहाँ पर ट्राई करना है कि इसके अलावा कुछ सोचो, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने यहाँ पर इस सवाल को पढ़ा और इसका जवाब तो काफी लोगों ने दे दिया है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो सकता है, जरा सोचो, फटाफट से सोचो, देखिए कितने लोगों का दिमाग चलता है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन, एक प्योर वाटर जो है 1 बार और 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, 34.5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल आपने 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऐड कर दिया, एंड इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस ऑफ द सॉल्यूशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट 2 केल्विन दे रखा है। द फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट द प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड वेरियस वर्सेस द टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल इज 46 ग्राम। अमंग द फॉलोइंग द ऑप्शन रिप्रेजेंट द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको बताना इनमें से आंसर क्या हो सकता है। एंड फाइनली बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दीपक कलाल। कई लोगों ने डी मने दीपक कलाल भी लिख दिया है, क्या बात है, मतलब दिमाग लगा दिया है, दीपक कलाल भी फेमस हो गया है। फाइनली दीपक कलाल का नाम लिखा है कईयों ने, कई लोग जानते नहीं होंगे दीपक कलाल। दीपक कलाल इस अर्थ पे एक ऐसी स्पीसी है जो एकदम बिरली है, मैं बता नहीं सकता हूं, कभी देख लेना। चलो, सो आंसर इसका बनेगा ए मने अमित बड़ाना या फिर ए मने अरविंद अरोरा। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, सबसे पहले तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो हमेशा कैसे होते हैं, आंसर इसका ए बनेगा, हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेरे प्यारे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन द केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो ऐसा होगा, सबसे पहले तो प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ आते हैं, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटने लगेगा, ये लिक्विड फेज में है, और टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा इन द केस ऑफ सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में ज्यादा घटेगा, और ये दोनों पॉइंट जिधर काटते हैं वही किसी भी सॉल्वेंट का क्या होता है, वो किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यह है डेल्टा टी
डेल्टा एफ नॉट, ये ग्राफ आता है। अभी तो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, ये दो ग्राफ हमने प्योर सॉल्वेंट के केस में बनाए हैं, बट जैसे ही आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हो, किसी सॉल्वेंट में आपने ऊपर से सॉल्यूट डाल दिया, इन दैट केस वो सॉल्यूशन बन जाएगा, इन दैट केस उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा पहले के मुकाबले। तो मान लो कि वेपर प्रेशर जो है इतने पर आ गया, अब अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो वो और उसका वेपर प्रेशर घटेगा और ये लाइन को इस पॉइंट पर काटता है, फाइनली आपके पास टीएफ का वैल्यू घट गया एज कम्पेयर टू टीएफ नॉट। सो आपको यहां पर एक्चुअली डेल्टा टीएफ का वैल्यू ही निकालना है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होता है, दैट इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑब्वियसली इथेनॉल डाला तो कोई टुकड़े तो होंगे नहीं, तो सीधे लिख सकते हो आई का वैल्यू तो 1 होगा, के एफ इंटू एम, ये सिंपल सा फॉर्मूला था। तो आपको यहां पर डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकालना था, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है तो क्वेश्चन के अंदर 34.5, ये ऊपर लिखा भी है 34.5 ग्राम आपने डाल दिया है, ठीक है, इथेनॉल उसका मोलर मास 46 है और आपने 500 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है, इनटू 1000 करोगे तो फाइनली यहां पर ये आ जाएगा वेट, और ये डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना आएगा 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ, इन दोनों में फर्क होना चाहिए कितने का, 3 डिग्री सेल्सियस या 3 केल्विन का फर्क होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, 270 से 273 यहाँ पर ये दे रखा, यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस है वो 3 का है, जबकि ग्राफ नंबर 2 में ये डिफरेंस 2 का ही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। सी एंड डी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ऐसे भद्दे ग्राफ होते ही नहीं है। सो फाइनली आंसर इसका मिल गया आपको, एंड आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, ए मने अमरेंद्र बाहुबली। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस बार जो हम लोग थीम रख रहे हैं वो है स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड हमारी थीम रहेगी, स्ट्रीट फूड, ठीक है। स्ट्रीट फूड का मतलब ए मने आलू चाट, बी मने बोम्बैया बॉम्बे की वड़ा पाव, सी मने क्या हो सकता है, छोले करी, एंड डी मने, पानी आ रहा है मुंह में, सच्ची बता रहा हूँ, डी मने दही बल्ले। तो बताइए क्या हो सकते हैं इसका आंसर, बहुत बढ़िया सवाल है। सो यहाँ पर आंसर बताइए, छोले भटूरे, क्या बात है, दिमाग लगा लिया सब लोगों ने, है भरवा, है बिरयानी, डोसा, आलू चाट, बर्गर, वेरी गुड, मतलब दिमाग पूरे लगा के रखे भाई, अभी ना ज्यादा नाम लिख दो, मेरे मुंह में आ रहा है पानी, कहीं भूख के लिए भाग नहीं जाऊं छोड़ के। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बिस्किट रखे हैं, मैं खा लूँ, मेरे को लग रही है भूख, तो यहाँ पर ओरियो के बिस्किट पड़े हैं, खाओगे क्या तुम लोग, भूख लग रही है, कुछ खाओगे, दिखा देता हूँ, ये ओरियो का बिस्किट अभी हाल फिलहाल मेरे पास है, तो मैं इसको खा लेता हूँ, खाते खाते जवाब देता हूँ। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ए मने आलू चाट, यस ऑफ कोर्स, ए मने आलू चाट। अब आप सारे ही सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशन, 0.5 आपने लिया है इथेनॉल, 0.1 आपने लिया है Mg3PO4, 0.25 आपने लिया है KBr, और 0.125 आपने लिया है Na3PO4, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन अज्यूमिंग ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 100%, अगर अल्फा का वैल्यू 100% है तो आई का वैल्यू क्या होता है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 100% का मतलब अल्फा का वैल्यू दे रखा है 1, इन दैट केस आई की वैल्यू कितनी हो गई एन के बराबर, तो आपको सिर्फ ये टुकड़े देखने कितने होंगे। सो इन दैट केस अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, जो पहला ऑप्शन नहीं पहला वाला सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो दिया हुआ है 0.5 उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सो यहाँ पर आई एन के बराबर है, तो पाई की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, एन इंटू सी इंटू आर इंटू टी, सबके लिए आर टी का वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू सी, आपको सिर्फ ये देखना है एन की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है, तो पहले के लिए सी का वैल्यू 0.5 है और एन का वैल्यू 1 है, तो टोटल कितना आ गया 0.5। ये तो ओरियो में खुशबू जबरदस्त आती है, एकदम वो वाली खुशबू आ रही है इसमें स्ट्रॉबेरी की, बाप रे, चलो अभी खाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरे वाले में क्या दे रखा है चेक करो, 0.1 इसके एन की वैल्यू, टुकड़े कितने मिलेंगे Mg3PO4 होल ट्वाइस, 3 और 2 5 टुकड़े मिलेंगे, 3 Mg मिलेंगे और 2 आपको PO4 -2 मिलेंगे, तो यहां पर भी कितना आ रहा है 0.5। तीसरा वाला दे रखा है आपको 0.25 और इनटू, जरा चेक करो KBr, KBr में टुकड़े कितने मिलेंगे, K प्लस और Br माइनस 2 मिलेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा अगेन, वो भी कितना आ जाएगा 0.5। अब चौथे वाले ऑप्शन में देखो, फोर्थ वाला जो सॉल्यूशन दे रखा है दैट इज 0.125, इसमें टुकड़े कितने मिलेंगे Na3PO4, तो Na3 मतलब 3 तो मिलेंगे आपको Na+, और इसके अलावा P
PO4 H3PO4 मतलब PO4 माइनस 3 मिलेगा सिर्फ एक, तो चार हो गया टोटल। 0.125 इंटू 4 कितना होगा 0.5, तो मतलब सबके लिए पाई का वैल्यू तो सेम आएगा, सबके लिए पाई का वैल्यू तो सेम आएगा, ठीक है। मैडी को कह रहा है मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि या तो आप खा लो नहीं हमें दे दो। आओ ये दे रहा हूँ ये खा लो। चलो सो फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा पाई की वैल्यू सबके लिए सेम है इन दैट केस, क्योंकि पाई के लिए एन और सी का मल्टीप्लाई सबके लिए सेम है। सो आंसर यहाँ पर आपको मिल गया, ए बने आलू चाट। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना था और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, देख लेना। ओके अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अब पढ़िए सवाल का जवाब दीजिए। इस बार की जो हमारी थीम रहेगी वो रहेगी, अपन मान के चलते हैं, चलो कुछ नया लेके आते हैं, मूवीज हो गई। ओके तो यहाँ पर गॉड, चलो इस बार गॉड पे लेते हैं, गॉड गॉड गॉड, ठीक है। तो थोड़ा सेंसिबल मुद्दा है, भगवान। ए मने कौन सा भगवान, बी मने कौन सा भगवान, सी मने कौन सा भगवान एंड डी मने कौन सा भगवान। देखे ए मने कौन सा भगवान, बी मने, सी मने एंड डी मने कौन सा भगवान। ए मने अल्लाह, वेरी गुड। तो बी मने क्या होगा, बी मने ब्रह्मा जी। सी मने क्या होगा, सी मने क्रिसमस क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। एंड डी मने आपका दिमाग लगाना है, तो बताओ क्या हो सकता है। सारे गॉड एक जैसे होते हैं, अब आपको दिमाग लगाना है कि गॉड कौन सा वाला हो गया। बाहुबली नहीं है, भोलेनाथ। क्या बात है शिवजी, भोलेनाथ, ये दिमाग लगा है, ये अच्छा है, भोलेनाथ, ठीक है। सो चलो डी फॉर दुर्गा, क्या बात है, लोग दिमाग लगा रहे हैं। सी मने चाणक्य बेटा, चाणक्य, हाँ, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट। सी मने क्राइस्ट जीसस, ए मने अल्लाह, मतलब सारी चीजें आ गई, क्या बात है, मतलब दिमाग लगा दिया लोगों ने। ए मने अल्लाह, बी मने भोलेनाथ, सी मने क्राइस्ट जीसस, ठीक है। एंड और अब आपको लगाना है डी का दिमाग, डी मने दुर्गा। सो यहाँ पर अब आप सब ऑप्शंस में लिखो, चार हो गए, ठीक है। सो बताइए आंसर क्या हो सकता है। फाइनली देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कहता है 0.04 कैपिटल एम Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 कैपिटल एम ग्लूकोज। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है Na2SO4 का। सो अगर आइसोटोनिक है इसका मतलब पाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो पहले आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मने अल्लाह, वेरी गुड। तो फाइनली ए मने अल्लाह आंसर आ चुका है। सो अब देखिए कैसे, अगर पाई की वैल्यू सेम है, आइसोटोनिक है इसका मतलब पाई की वैल्यू सेम है, पाई की वैल्यू Na2SO4 के केस में, एट द सेम टाइम पाई की वैल्यू ग्लूकोज के केस में सेम है। और अगर ग्लूकोज और Na2SO4 के केस में सेम है, इसका मतलब पाई में क्या आता है, आई इंटू सी, R और T तो कट जाएगा, तो I into C का वैल्यू क्या होगा दोनों के लिए सेम। तो ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू 1 होता है, ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू कितना होता है 1, और Na2SO4 के लिए I का वैल्यू कितना निकल के आएगा, Na2SO4 यानी कि 3, तो यहां पर 3 आएगा इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.004 विच इज इक्वल टू, इसके लिए I का वैल्यू है 1 और इसके लिए C का वैल्यू दे रखा 0.01। सो इन दैट केस यहां पर अगर आप चेक करो कि अच्छा ओ शिट, यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यहाँ पर तो I का वैल्यू तो रुको, हमें यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर I का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई। सो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, क्योंकि अल्फा वो खुद ही कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आपको निकालनी है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो हम लोग आई एन के बराबर मान नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आई का वैल्यू ही निकालना है, तो आई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आई के जैसी रखी जाएगी 0.04 कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 into 0.01। तो यहाँ पर आई का वैल्यू इन द केस ऑफ Na2SO4 कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004। और यहाँ पर वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2.5, तो आई का वैल्यू आ गया 2.5। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो। आई की वैल्यू तो निकालनी थी, आई की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। I की वैल्यू 3 होती यानी कि n के बराबर तब होती जब अल्फा की वैल्यू क्या होती 100%, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है और मैं शक्तिमान लोगों से माफी मांगता हूं। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू कितनी होगी 2.5 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा वी हैव टू कैलकुलेट प्लस n अल्फा, n का वैल्यू यहां पर 3 है, n यानी कि कितने टुकड़े मिलेंगे, Na2SO4 के अंदर Na+ का 1 2 मिलेंगे और आपको SO4 -2 का 1 मिलेगा, तो टोटल n का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 अल्फा। तो यहाँ पर 2.5 विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि 1 प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आएगी 0.75 यानी कि 75% आंसर आ गया।
फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज 75%, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत समझदारी से लेना होता है चीजों को। डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 - α + nα। और एसोसिएशन के केस में क्या होती है? 1 - α + α/n। ऊपर वाला है डिसोसिएशन के केस में, नीचे वाला है एसोसिएशन के केस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सॉल्यूशंस के मैं ऑलरेडी पीडीएफ डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। और यहाँ आई का वैल्यू एन के बराबर कब होता है? जब अल्फा का वैल्यू कितना हो? 100%। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अल्फा निकालना था, इसलिए आई की वैल्यू एन के बराबर नहीं थी, ठीक है? तो ये लॉजिक हुआ। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्या आंसर हो सकता है? इस बार हम लोग लेते हैं, हाँ कोई सजेस्ट करो कि इस बार हमारा थीम क्या होना चाहिए। ए बने, बी बने, सी बने, डी बने, क्या हो सकता है? चलो हम लोग पेट्स के नाम ले लेते हैं इस बार। पेट्स, पेट समझते हो? ए मने, बी मने, सी मने, डी मने। तो सी का तो सबको पता है, सी मने कैट, तो सीएटी कैट। ऐसी करके ए बी डी का बताओ क्या हो सकता है। पेट्स के नाम लेने हैं आपको और उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है? तो पेट्स सी मने कैट है ना, ए मने क्या हो सकता है? डी मने डॉग। तो पेट्स हो गए कैट एंड डॉग। बी का मतलब क्या? भालू। बी मने भालू। तो ए मने क्या हो सकता है? ए मने अजगर। डी मने डॉल्फिन। चलो ए मने एंट भी हो सकता है ना। सो इस तरह से आपको बी मने बैटमैन भी हो सकता है, दिमाग लगा लिया लोगों ने। सो फाइनली आपको पेट्स के अकॉर्डिंग, पर ये पेट तो नहीं है, एंट पेट थोड़ी होती है, बट ठीक है, आपको लेने हैं नाम यहाँ पर स्पीसीज के। और यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर होगा ए मने एंट। यस ऑफ कोर्स, लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट होते हैं इक्विलिब्रियम पर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने काफी बार दिखाया है। जब भी आपको किसी का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है तो सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। उस केस में जब आपके पास जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, एक्चुअल में वही जो भी उनका मतलब क्रॉस वाला पॉइंट होता है, मतलब एक दूसरे को जहां काटते हैं वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। सो सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म और सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म जहां एक दूसरे को काटते हैं, उनका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ जहां काटता है वही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। कंप्लीट थ्योरी अगर आपको देखनी है तो आपको मिल जाएगी। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1996 का क्वेश्चन है। और अब आपको आंसर करना है ड्रेसेस की फॉर्म में, जो आप ड्रेसेस पहनते हो, ठीक है? ड्रेसेस की फॉर्म में आपको आंसर देना है, ठीक है? सो आप बताइए यहां पर क्या हो सकता है। ए बी सी डी, दिमाग लगाओ, ए बी सी डी क्या हो सकता है? हल है, ड्रेसेस तो बहुत ही कम है। सी मने, डी मने, ए मने, बी मने, क्या आंसर हो सकते हैं? चलो बताओ, दिमाग लगा के बताओ। क्रॉप टॉप। कृष्ण कुमार ने आंसर लगा दी, सी मने क्रॉप टॉप। बी मने बेबी डॉल। तो बताओ चलो फाइनली आंसर क्या हो सकता है। सो ए मने ऑल ड्रेसेस, अलग अलग तरह से दिमाग लगा, ए मने ऑल ड्रेसेस, ठीक है? सी मने क्रॉप टॉप। चलो तो फाइनली इसका आंसर क्या बन सकता है? ब्लू जीन्स, या दिमाग लगा लिया। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? यस ऑफ कोर्स, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इट्स बी, ब्लू जीन्स। सो ब्लू जीन्स वुड बी द आंसर। ये आंसर बना हमारे पास बिकॉज हम सब जानते हैं इन द केस ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड के अंदर क्या होता है? डाइमराइज हो जाता है। क्योंकि बेंजीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेंजीन है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि बेंजोइक एसिड को एसोसिएट कर देता है बजाय डिसोसिएट करने के। सो यहाँ पर दो यूनिट उसकी जुड़ जाती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जुड़ती हैं? चलो आपको दिखा देता हूँ। आंसर आपको मिल गया है, बी मने ब्लू जीन्स। और यहाँ पर इस तरह से डाइमराइज हो जाती है, दो यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाती हैं। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। और फाइनली ये इसका आंसर मिल गया। आपको फिर से कहूंगा कि पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो आपको हेल्प करेगी, सॉल्यूशन वगैरह सब दिए हुए हैं। सो इन दैट केस आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्मल अपॉन अब नॉर्मल मास के हिसाब से आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कोई पूछे ना आई की वैल्यू बेंट ऑफ फैक्टर मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सो आई की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई अब नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास जो आप क्या करते हो, कैलकुलेट, और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो कि ज्यादा या कम आता है वो नीचे आता है।
ये फॉर्मूला दिया है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या हो सकता है। अब आप लेते हैं हम यहां पर अगला थीम क्या लिया जाए, अगला थीम हम लेते हैं बिस्किट्स के नाम, जो आपके बिस्किट जो रहते हैं ना, जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ऐसे बिस्किट्स के नाम लेने हैं आपको। तो बिस्किट्स के नाम बताइए, ए मने, बी मने, सी मने एंड डी मने, ठीक है। सो देखिए मैं जो बिस्किट खा रहा हूँ वो कौन सा है, ये तो है ओरियो। अब ओरियो का क्रीमी बिस्किट तो आएगा नहीं ना, कैडबरी, कैडबरी से लिख सकते हो बिस्किट या फिर चॉकलेट्स। सो ए बी सी डी से बिस्किट या फिर चॉकलेट्स का नाम लिखना है, ठीक है। सो चॉकलेट्स या फिर बिस्किट्स का नाम लिखो, तो देखिए क्या आता है। डी मरे डार्क फैंटेसी, दिमाग लगा लिया, डेरी मिल्क। चलो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट इन द केस ऑफ हाईएस्ट। आप ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि टीएफ की वैल्यू हाईएस्ट पूछी जा रही है आपसे। और अगर टीएफ की वैल्यू हाईएस्ट पूछी जा रही है, इसका मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू लोएस्ट पूछी जा रही है किससे होगी। और यहाँ पर डेल्टा टीएफ ही आपकी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, आई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोवेस्ट देखना है, इसका मतलब आई, और आई एक्चुअली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एन के, यानी कि नंबर ऑफ कितने आपको आयंस मिलेंगे। सो डेल्टा टीएफ की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। और अगर आप टीएफ हाईएस्ट देखना चाहते हैं, इसका मतलब डेल्टा टीएफ आप लोवेस्ट देखना चाहते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी आप लोवेस्ट या सोल्यूट की क्वांटिटी लोवेस्ट देखना चाहते हैं। सो फाइनली क्योंकि मैंने आपको बिस्किट या चॉकलेट बोला, तो इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन डार्क फैंटेसी वुड बी द आंसर। डी मने डार्क फैंटेसी ये आंसर बनेगा, क्योंकि C6H12O6 के केस में आपको एन का वैल्यू सिर्फ 1 ही मिलेगा, जबकि ऊपर वाले केसेस में आपको यहाँ पर एन का वैल्यू यानी कि टोटल सोल्यूट की क्वांटिटी 4 मिलेगी, यहाँ पर कितनी मिलेगी 3, और ऊपर वाले में 2 मिलेगी। तो जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी उसकी डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम होगी और उसकी टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, और ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। आंसर वुड बी डी, तो ये इसका आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ की फॉर्म में गिवन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ये इनके सॉल्यूशंस हो गए, आप जरा चेक कर लो, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल फिर से ट्राई करो इसके लिए, अब आप देखते हैं आंसर कितने लोग देते हैं, बताओ। चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अभी आपको हॉलीवुड मूवीज लिखनी है, अभी इस बार आपको एबीसीडी से हॉलीवुड मूवीज लिखनी है। जो लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो हॉलीवुड मूवीज के नाम लिखेंगे, ठीक है। हॉलीवुड मूवीज में ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी लिखना है, देखते कितने लोगों का दिमाग चलता है हॉलीवुड मूवीज के रिस्पेक्ट में। सो ए मने एनाकोंडा, सुमा एनाकोंडा, चलो एवेंजर्स एनाकोंडा है ना, दिमाग लगा लिया लोगों ने। सो बताओ कैप्टन मार्वल, क्या बात है, दिमाग लगा लिया, सी मने कैप्टन मार्वल, बहुत बढ़िया। एनाबेल, एनाबेल तो बहुत डरावनी मूवी है। बी मने बैटमैन, तो दिमाग लगाया लोगों ने। अच्छा डी का क्या हो सकता है बताओ, चलो डी का कोई हॉलीवुड मूवी बताओ, डी का कोई हॉलीवुड मूवी बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, आपकी फेवरेट मूवी बतानी है इनके से, देखते कितने लोग बताते हैं। आह क्या बात है, मतलब लाइन लगा दी है लोगों ने, वेरी गुड। तो फाइनली देखिए क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पॉइंट वन कैपिटल एम एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, यानी कि टीएफ की वैल्यू आपसे पूछी है लोएस्ट, इसका मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछी है हाईएस्ट, इसका मतलब एन की वैल्यू भी होनी चाहिए हाई। यहाँ पर लाइट चली गई थी, आई एम सो सॉरी, क्या मुझे देख पा रहे हैं अभी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो लाइट डिस्कनेक्ट हो गया। अब ज्यादा हमारे पास इसमें बचा भी नहीं है, खत्म होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं। तो जरा चेक करिए ध्यान से इसको, हम लोग ये हटा देता हूँ, चलो। तो फाइनली नेट कनेक्ट हो चुका है, अब आप ध्यान से देखिएगा फाइनली यहाँ पर आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा जरा चेक करिए। सो फाइनली अगर आपको टीएफ की वैल्यू लोवेस्ट चाहिए, डेल्टा टीएफ का वैल्यू हाईएस्ट है, यही बात है कि यहाँ पर लाइट चली गई और काफी लोग जो है यहाँ से गए नहीं, बस इसी को एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, जितना टीएफ का वैल्यू कम चाहते हो, डेल्टा टीएफ का वैल्यू हाईएस्ट चाहते हो, उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी देखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आयन हाईएस्ट मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा, यानी कि टीएफ की वैल्यू कम, और इसमें सवाल बहुत पूछते हैं। सो इन दैट केस बच्चों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। इस केस में आपको N की वैल्यू मिलेगी 3। सोडियम क्लोराइड में N का वैल्यू सिर्फ 2 होगा, NaCl, और यूरिया और ग्लूकोज के केस में N का वैल्यू सिर्फ 1 होगा। इन दैट केस जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे
उतना ही डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली हाई होगा और टीएफ का वैल्यू कम होगा। इन दैट केस आंसर बनेगा इसका प्यारे बच्चों ए। बहुत बढ़िया। तो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए मने, यस ऑफ कोर्स ए मने एवेंजर्स। सो ये आंसर बन गया हमारा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, और आप ध्यान रखिएगा इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर हो सकता है। व्हेन मर्क्यूरिक, ये बहुत बढ़िया सवाल है। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आपको बताना है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर ए बी सी डी में से क्या आंसर हो सकता है। तो अभी इस बार आपको थीम लेनी है क्या, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोलते हो। वेन एवर यू आर एंग्री, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोलते हो। ए मने, बी मने, सी मने और डी मने, ठीक है। सो आप क्या बोलते हो वो हमें बताना है। मान लो आपको किसी छोटे यंग ब्रदर सिस्टर से लड़ाई हो गई, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, गुस्सा आता है तो क्या बोलते हो। सो ए बी सी डी यहाँ से चार ऑप्शन दो, यहाँ पर ये थीम रखते हैं और देखे क्या आंसर देते हैं लोग। बोले डी मने डॉग। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है बी मने बकलोल, बुद्धू, क्या बात है, ठीक है, बेवकूफ, आह दिमाग लगा रहे हैं। देखो गलत यूज मत कर लेना, दिमाग लगाना। चलो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है जरा चेक करो। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन, इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं मर्क्यूरिक आयोडाइड को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा। नहीं, ये केआई के साथ जब भी रिएक्ट करता है, इन दैट केस ये क्या बना लेता है, HgI4, HgI4 -2 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जिससे यहां पर हो गया एसोसिएशन मेरे प्यारे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से, ध्यान से चेक करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन के केस में एन का वैल्यू घटेगा, एन का वैल्यू घटेगा तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू घटेगा, यानी कि टीएफ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, बट ध्यान रखिएगा अभी मैंने आपको कहा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोलते हो, इसीलिए कहता हूँ आपको, पहली बात तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, मेरी भी ये सबसे बड़ी कमजोरी है लेकिन उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जब आपको गुस्सा आए, एज अ टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, जब आपको गुस्सा आए तो अपशब्दों का इस्तेमाल कम से कम करो। आप लोग याद रखो इस पूरी यूनिवर्स में एक पावर है जो कि काम कर रही है, और अगर आप कुछ भी नेगेटिव बोलते हो या दिमाग में पालते हो तो वो रिवर्स आपकी तरफ आती है। ये पता है, इसको अट्रैक्शन रूल बोलते हैं। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, गुस्से को पी जाओगे, ठीक है, गुस्से में भी अपशब्दों पे ध्यान रखोगे, ये कहते हैं ऐसा, और मैं भी इस चीज को मानता हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं परफेक्ट पर्सन नहीं हूं, बट मैं चीज मानता हूं कि जब गुस्सा आए तो अपने अपशब्दों पर कंट्रोल करो, क्योंकि जो आप यूनिवर्स में देते हो वही यूनिवर्स से रिफ्लेक्ट होके आता है। So, मैंने अभी यहाँ पर चैट सेक्शन में देखा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अब शब्दों का इस्तेमाल करना चालू कर दिए। मैंने जब कहा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या यूज करते हो, तो अगली बार मेरे प्यारे बच्चों जो अपशब्द का इस्तेमाल करते हो मत करना। क्यों? क्योंकि यही चीज जो आप यूनिवर्स में दे रहे हो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। प्यार बांटोगे तो प्यार आएगा। अगर मैंने कहा गुस्सा तो इन दैट केस छोटा मोटा चलता है, लेकिन इस तरह से आपको अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। लेकिन अब अगर आप मेडिजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो एक शपथ लीजिए कि हम लोग अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनफैक्ट गुस्से में कुछ बोलेंगे नहीं। इनफैक्ट आजकल मैंने क्या सोचा पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो लोगों को बोलूंगा नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मान लो किसी बंदे पे गुस्सा आ रहा है, ट्राई करके देखना, अगर मान लो किसी बंदे पे गुस्सा आ रहा है तो उसको बोलना यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, गुस्से को पी जाओ, यू आर डूइंग गुड, और उसको वहां से जाने दो, ठीक है, बस कुछ बोलो नहीं। ये शिक्षा मुझे अभी हाल फिलहाल मैं आजकल हमारे जो गुरु हैं उनको पढ़ रहा हूँ, उनको उनके वीडियोस देख रहा हूँ सदगुरु की, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली। इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि जो आप यूनिवर्स को दोगे, गाली दोगे यूनिवर्स को, ये यूनिवर्स को है मुझे नहीं, आप यहाँ पर यूनिवर्सल हो। जरा चेक करो, अपने घर पे बैठे हो, सब लोग देख रहे हैं, अगर आप गाली दोगे तो आपको गाली मिलेगा। चल झूठा चलता है, चलता है, ठीक है ना। गाली दोगे तो अक्षय कुमार ने कुछ लिखा है, बट इट्स रियली वेरी गुड। तो यहाँ पर जरा चेक करते हैं, तो सदगुरु जो है, सदगुरु को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। तो उन्होंने यही कहा कि जब आपको गुस्सा आए
सो आप ध्यान रखो, केसरी केसरी की जो अगर मूवी देखी है आपने, तो अक्षय कुमार ने क्या किया था, गुस्सा आया था उसको जब उसने वहां पर बहुत सारे वहां पर जो उसके एनिमीज थे उन्होंने कहा तुम्हारी पगड़ियां हमारे चरणों में होंगी, तो उसने क्या कहा, चल झूठे कहा तो अक्षय कुमार भी गाली दे सकता था। सही बात है, तो आप इसीलिए कहता हूं कि गुस्से को पी जाओ और कुछ परफॉर्म करके बताओ, अच्छे बनोगे तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, और ये इसका जवाब है, पीडीएफ में भी गिवन है और इसको आप डाउनलोड कर लेना। और आप हमेशा याद रखो, जो रिफ्लेक्ट करोगे वही मिलेगा, चैट में अगर गलत लिखे हो तो वही चीज जिंदगी में फेस करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और दिस इज मोस्ट प्रोबली द लास्ट क्वेश्चन। कहता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज रिप्रेजेंट द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। मेरा एज अ टीचर काम ये भी है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं, तो मेरे बच्चों जब भी गुस्सा आए पी जाना उसको, ठीक है, और बोलना यू आर डूइंग गुड, और वहां से निकल जाना, गुस्सा नहीं आना चाहिए। और ये तो खैर मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मेरी ये बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन अब नहीं है, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये जिंदगी का सक्सेस मंत्रा भी है, यू डोंट हैव टू एंग्री ऑल द टाइम। ठीक है, पीना सीखो। अब देखिए अगला सवाल यहां से पूछा कि द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज रिप्रेजेंट द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, मतलब डेल्टा टी एफ का वैल्यू कब के एफ के बराबर होगा, कब होता है के एफ के बराबर, जब आप एम का वैल्यू कितना रख दो, 1। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जितने भी चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एम यानी कि मोलैलिटी 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर किसकी है। तो मोलैलिटी क्या होती है, द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये होता है। अब आप ऑप्शन 4 में चेक करो, यहां पर 59 ग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, सब लोग बताओ, सॉल्वेंट का वेट हो गया 50 ग्राम, और सॉल्वेंट है कौन, ग्लूकोज, सॉरी सॉल्वेंट यहां पर वाटर है और सॉल्यूट कौन है यहां पर, ग्लूकोज। तो वाटर यहां पर सॉल्वेंट है जिसका 50 ग्राम आपको दे रखा है वेट, तो आप निकालो फटाफट से, 9 ग्राम सॉल्यूट यानी ग्लूकोज आपने डाला, मोलर मास उसका होता है ग्लूकोज का 180, इनटू आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है दैट इज 50, बट वो ग्राम में दे रखा है तो 1000 से आप क्या कर दो, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वुड बी द आंसर, जहां पर डी आंसर बनेगा, जहां पर आपके पास मोलैलिटी किसके बराबर है, 1 के बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी 1 के इक्वल है, इसका मतलब यहां पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू के एफ के बराबर होगी, और के एफ को हम लोग क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से आंसर बनेगा इसका डी, और बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका दे भी दिया है, और बहुत बढ़िया सवाल था। तो गाइज इस तरह से हमने किए बेहतरीन सवालों को खत्म। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप लोग हमेशा जब भी मैं यहाँ पर लाइव सेशन लेता हूँ बहुत बड़ी तादाद में आते हो, आज तो पीक टाइम में 400 बच्चों के करीब एक बार में बैठे हुए थे, बीच में लाइट चली गई तो कुछ लोग चले गए, लेकिन आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए, कुछ अच्छे सबक भी सीखे। मैंने आपको सदगुरु को जरूर देखना, अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो बच्चों तो सदगुरु इनको मैं बहुत बढ़िया वक्ता मानता हूँ, और ये दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। सदगुरु को आप लोग YouTube पे चेक करना, ही इज रियली अ गुड मैन। और बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में अच्छा कहोगे तो अच्छा पाओगे। अरविंद अरोड़ा को सर्च करो, नहीं किए हो तो जो आपको रिक्वायर्ड वीडियोज हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की 950 के करीब वीडियोज मोटिवेशनल के इंक्लूडेड करके बना चुका हूँ। यूट्यूब पे अरविंद अरोड़ा को सर्च करो और लाइक करो इस वीडियो को, इफ यू लाइक, इफ यू कमेंट, अगर नहीं किया है कमेंट तो कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ, और इन वीडियोस को उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया गाइज, एंड इफ वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया वी हैव टू शेयर दीज वीडियोस एज मच एज यू कैन मेरे प्यारे बच्चों। सो फाइनली हमने आज का सेशन भी खत्म कर लिया, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा अगला टारगेट रहेगा थर्मोडायनेमिक एंड इक्विलिब्रियम, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन आज ही मैं आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर की थ्योरी भी करवाने वाला हूँ। सोल्यूशन चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो सोल्यूशन चैप्टर इन वन गो, एक ही गो में आपको थ्योरी कराऊंगा, और इसके शॉर्ट नोट्स भी इवनिंग तक प्रोवाइड करूंगा, आप इंतजार करिएगा। शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भी देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भी देने वाला हूँ, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको शाम तक का इंतजार करना है। थर्मोडायनामिक और साथ में हम लोग इक्विलिब्रियम को कवर अप करेंगे अगले
अगले कुछ वीडियोस में। ओके, सो थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन वीडियोस को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।